काली सिंध बांध से जल छोड़ने के कारण बुधवार को धौलपुर में चंबल नदी का जल स्तर एकदम से बढ़ गया था। दोपहर होते होते चंबल के पानी ने खतरे के निशान को पार कर लिया था। लेकिन गुरुवार धौलपुर वासियों के लिए राहत लेकर आया। चंबल का जल स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। नदी का जल स्तर उतर जाने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। चंबल का जल स्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी चंबल पर नजर बनाए हुए हैं। हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बरसात के चलते चंबल नदी में जल स्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए संभावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बचाव एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली एवं चंबल के किनारे से लगते गांवों पर सतर्कता बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने चंबल के किनारे बसे गांव में रह रहे लोगों को अधिक चौकन्ना व अलर्ट रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि चंबल किनारे बसे गांवों में मेडिकल टीम भेजकर ग्रामीणों से संपर्क स्थापित करें। प्रभावित गांव में आशा सहयोगिनी के माध्यम से दवा किट वितरण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम स्तर पर ग्राम प्रभारी नियुक्त कर अपने क्षेत्र में रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए पाबंद किए जाएं। चंबल के किनारे वाले गांवों में जल भराव जैसी स्थिति की सूचना अविलंब जिला मुख्यालय के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में दूरभाष संख्या 056-42-220-033 पर देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गोताखोरों टॉर्च रस्सी पानी निकालने के लिए पंप सेट डीजल पेट्रोल रसोई गैस केरोसिन आदि की पर्याप्त रिजर्व स्टॉक रखवाने की व्यवस्था के निर्देश दिए। जगदम्बा कॉलोनी में पानी भर जाने की शिकायत मिलने पर नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह कॉलोनी पहुंची। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाए। गुरुवार को नगर परिषद सभापति को शिकायत मिली कि कॉलोनी में पानी का भराव हो गया है, जिससे कॉलोनी वासी परेशान हो रहे हैं। इस शिकायत के मिलते ही सभापति खुशबू सिंह मौके पर पहुंची और कॉलोनी वासियों से मिली, जहां लोगों ने अपनी शिकायत से अवगत कराया। इस पर सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारियों को मौके पर बुलवाया, जिसमें एक्शन ब्रजमोहन सिंगल, जेएन आशीष कुमार, जेएन प्रभाव फौजदार, एएन गुमान सिंह और मैट विद्याराम एवं हसमत पहुंचे। सभापति खुशबू सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए। करना है, सही है ना, हमें आप है तो हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आप बता रहे हो, मैं देख रही हूँ, लेकिन जो सॉल्व कर रहा है उनको समझ में आ गई कि क्या करना है। आप उनके ऊपर छोड़ दो, अब वो देख लेंगे मैं के है ना, कैसे क्या करना है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे पानी भर रहा है। ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्य का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं विश्राम काल 30 मिनट का निर्धारित किया गया था। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रसाद चेतन चौहान ने बताया कि मानसून प्रारंभ होने की स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्य का समय प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक एवं विश्राम काल 1 घंटा निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क को पूरा कर लेता है तो वह कार्य की माप मैट के पास उपलब्ध मास्टर रोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर उपरांत कार्यस्थल छोड़ सकता है। धौलपुर जिले के जौली थाना क्षेत्र के गाँव भूरा में आज खेत में कार्य करते समय एक 50 वर्षीय महिला गोमती पत्नी निनुआ राम को सांप ने काट लिया, जिसे परिजन डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय धौलपुर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धौली थाना पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम करा सब परिजनों को सौंप दिया। पैरा मेडिकल काउंसिल राजस्थान ने अपने दूसरे बैच 2017 का फाइनल रिजल्ट बुधवार को घोषित कर दिया। धौलपुर के एकमात्र पैरा मेडिकल कॉलेज संकल्प पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र कपिल शर्मा ने DMLT संकाय में धौलपुर टॉप किया है। इस परीक्षा में 25 स्टूडेंट्स ने भाग लिया था। गुरुवार को कपिल शर्मा को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कुश शर्मा, अक्षय सिकरवार, गौरव कुमार, नितिन शर्मा एवं विनय मौजूद रहे। बाड़ी के चंगवरिया पाड़ा मोहल्ले में आज एक 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान राजू पुत्र रोशन के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव लेकर उसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया।
आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। मेरा नाम भीकम सिंह। क्या मामला बताइए। उसकी दिमागी हालत खराब थी, काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट चल रहा था उसका जी, और उस वजह से कोई पता ही नहीं लगा। मैं बताऊँगा, चुपचाप जा कर के और पेड़ से फांसी लगा ली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सखी वन स्टॉप सेंटर एवं जिला अभिसरण समिति की बैठक जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी आपस में समन्वय बनाते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का सफल क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण, आंगनवाड़ी केंद्रों में न्यूट्री गार्डन, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी की व्यवस्था, पूरक पोषाहार कार्यक्रम, IPE ग्लोबल द्वारा किशोर किशोरी स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, महिला सुरक्षा जैसे कई पहलुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2021 समारोह के सफल आयोजन के लिए रूपरेखा निर्धारित करने व कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे जिला कलेक्टर सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश के जरूरतमंद कलाकारों को सहायता उपलब्ध कराने, राजकीय संरक्षण प्रदान करने, उनके कल्याण एवं संबल के लिए कलाकार कल्याण कोष के जिले में क्रियान्वयन मॉनिटरिंग एवं कलाकार कल्याण कोष नियम 2008 व योजना की गाइडलाइन के निर्देशानुसार आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आवेदन प्राप्त करने, उनका सत्यापन करवाने, चयन करने व राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर को मैं अपनी अभिशंसा के भिजवाने के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। जो भी कलाकार इस कैटेगरी में आते हों वो अपना आवेदन नियत समय पर जमा करा दें। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाने पर तैनात हेड कांस्टेबल गजन सिंह के ASI बनने पर थाना स्टाफ सहित कंचनपुर क्षेत्र के आमजन ने गजन सिंह का फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर वे ज्ञानी राम शर्मा, पूर्व सरपंच राजेश जाधव, वीरेंद्र भूरा गोस्वामी एवं कंचनपुर थाना स्टाफ शामिल रहा। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत धौलपुर जिले ने राजस्थान में पाया पहला स्थान। जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20 सूत्री कार्यक्रम के दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के अथक प्रयासों के फलस्वरूप सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतार कर एक बार फिर धौलपुर जिले ने अव्वल प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है।